नमस्कार दोस्तों, एचआरआई न्यूज पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर दोस्तों इस समय की निकल के आ रही है, वापस जाकर चाय की दुकान खोल लो मोदी जी, देश और नहीं झेल सकता। पीएम का पुराना ट्वीट शेयर कर बोले हैं कांग्रेस नेता, साधा है जमकर निशाना, इस्तीफे की मांग तेज हुई है। दोस्तों, देश में एक के बाद एक नए मामलों पर खुलासा होता जा रहा है और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी दल इस्तीफे का दबाव डालने लगे हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपको बताते चलें, साल 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तब बीजेपी महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का एक मौका भी नहीं गवाती थी। मनमोहन सिंह सरकार को बीजेपी कमजोर सरकार बताती थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने उस दौरान एक ट्वीट किया था जिसे शेयर कर अभियुक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बेबी ने तंज किया है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मोदी कोई मायने नहीं रखते, बल्कि वो तो वापस जाकर अपनी चाय की दुकान खोल सकते हैं। उनका यही ट्वीट शेयर करते हुए श्रीनिवास बेबी ने लिखा, सहमत, चले जाओ मोदी जी, ये देश अब और आपको नहीं झेल सकता। दोस्तों, अगर आप लोग भी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। आप सभी का बहुत